जय श्री कृष्ण। एक बार भाव और प्रेम से हाथ उठाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, व्यासपीठ को नमन, व्यासपीठ पर शोभायमान, व्यासपीठ समलंकृत परम श्रद्धेय समवेत श्री कैलाश चंद्र जोशी जी महाराज को शत शत वंदन करते हुए आज द्वितीय दिवस की भागवत कथा में प्रवेश करें। उससे पहले हमारे जो यजमान हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारें। सर्वप्रथम श्रीमती दमयंती इनानी एवं श्री सुशील जी इनानी जो आज के यजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे सब परिवार मंच पे बधा रहे हैं। साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमती इंदु बाला छंगाणी एवं श्री अजीत जी छंगाणी, वे भी मंच पे बधा रहे हैं। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती सुरेंद्र कंवर एवं श्री संग्राम सिंह जी रोहिचा, वे भी मंच पे बधा रहे हैं। और आज विशेष अतिथि हमारे बीच में समेत श्री भरत जी जोशी, किशन लाल जी गांधी एवं श्रीमती श्री ओम कृष्ण जी लोहरा, वे यहाँ उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करूंगा वे भी मंच पे पधारें व्यास पूजन के लिए। जैसा कि आप सभी को विदित है, ये कथा जो इस पंडाल में चल रही है, आप यहाँ श्रवण कर रहे हैं और जय पारस के द्वारा घर बैठे लोग जो टीवी पर देख रहे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जो यहाँ हैं, जो जोधपुर में देख रहे हैं, कल कई लोगों के फोन आए कि हम तो घर पे बैठकर देख रहे हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा वे पंडाल में आकर के व्यासपीठ के समक्ष बैठकर अगर कथा सुनेंगे,
जो बाहर है नहीं आ सकते हैं, वे टीवी पे देखें, लेकिन हम लोग जोधपुर में हैं और जोधपुर में इतनी अच्छी कथा चल रही है, तो आपसे निवेदन है कि आप भी पंडाल में पधारकर कथा श्रवण का लाभ लें। साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो कथा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में हमें भगवान श्री कृष्ण ने तोहफे के रूप में दी है, जैसा कि आजकल प्रचलन है कि कोई गिफ्ट देता है तो हम लोग वापस उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। खंडे च मुक्तावली गोपा स्त्री परिवेष्ट विजय दे गोपाल जोड़ामणे फुल्ले नीवर कांत बिंदु वंदन वरहावतन संप्रिय श्री वत्सा कमुदार कौस्तुभदर पीतांबरम सुंदर गोपी नाम नैनोत्पलार्चितन गो गोप संगावृत गोविंदम कलवेणुवादरम पर दिव्यांग भूषं भजे सहस्रशीरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा सभौमेघ सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। अभी हमारे एक सहयोगी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, जोधपुर के ही श्री सुशील जी इनानी, इनकी प्रेरणा से जगन्नाथपुरी से किसी भगत ने 31,000 रुपये का सहयोग भेजा है, लेकिन उन्होंने नाम बताने से मना किया है, गुप्त दान किया उन्होंने। उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन। और सुशील जी इनानी की प्रेरणा से सुशील जी इनानी का भी अभिनंदन करेंगे हम लोग तालियां बजाकर। और महाराज जी से निवेदन करूंगा कि व्यासपीठ से उनको आशीर्वाद दें। ओ ध्याये
सिद्धि विनायकम् याकुंदेन्दु तुषारहार धवला याशुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडे मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रवर्तिभिर् देवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनां पति वंदे सूर्य शशांक वहनी नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं या देवी मम हृदयेषु लटियाली रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रेवर मौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये अति ध्यानी योदानी भये त्रिपुरारी जाकी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी जाकी कृपा त्रैलोक धनी सो कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी मेरे उकाज कर
करेगी वही मेरे उकाज करेगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृष भानु दुलारी श्री कृष्ण प्रिया वृष भानु दुलारी राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जन्म जन्म मोहि दीजिए माँ अब चरणन को वास माँ अब चरणन को वास माँ चरणन को वास हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा हे ना
के श्याम नित गाइए रे।
सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वते महेश्वराभ्याम नमः। श्री भगवती लटियाली देवी नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री वेद व्यासाय राधा कृष्णाय नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, द्वारिकाधीश की, भागवत महापुराण की, श्री जूना खेड़ापति बालाजी धाम की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस दिव्य अवसर पर आयोजित इस श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सहयोग करने वाले सभी यजमान परिवारों के प्रति
सभी भक्तजनों के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, पंडाल में विराजित मेरे बाल गोपाल के हृदय में विराजित ठाकुर के प्रति, मेरे और मेरे व्यासपीठ के सादर प्रण। मनुष्य का ये जो जीवन है, ये जो मानव जीवन है, बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। शास्त्र की अगर हम बात करें, अगर हम शास्त्र में विश्वास करें, तो शास्त्र ये कहता है कि जब भी किसी जीवात्मा पर वो परमात्मा कृपा करते हैं, तब वो परमात्मा इस जीवात्मा को मनुष्य देह प्रदान करते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम जन्म मनुष्य जन्म है। इस जन्म में आकर अगर हमने हमारे जीवन के लक्ष्य को नहीं समझा, तो समझ लीजिए कि हमने हमारे इस मनुष्य जीवन में आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। और एक भूल, एक गलती और एक चूक न जाने कब पुनः 83,99,999 योनियों में ले जाकर पटक दी गई। कितने जतन किए होंगे, कितनी योनियां पार की होंगी, कितने जप तप अनुष्ठान किए होंगे, कितनी कथाएं सुनी होगी, तब कहीं जाकर ये जन्म मिला। एक छोटी सी चूक मनुष्य को कहां से कहां ले जाकर पटक देती है, ये कोई नहीं जानता। मनुष्य का जीवन 3 धरातलों पर जिया जाता है। मनुष्य जीवन जीने के 3 धरातल हैं। पहला है पाशविक पशुता का जीवन, दूसरा है मानवीय और तीसरा है दैवीय। कुछ मनुष्यों को हम हमारे जीवन में, हमारे आसपास में ही पशुओं की तरह जीते हुए देखते हैं। जैसे कल की कथा प्रसंग में आया था, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशु बिह नराणा। पाशविक धरातल पर तो आप और हम सभी जीते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग, चंद लोग ऐसे होते हैं जो मानवीय धरातल पर जीने का प्रयास करते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। संसार उन्हें याद करता है। दैवीय धरातल तक कुछ गिने चुने लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को मनुष्य से ऊंचा उठाकर और देवतुल्य बना दिया। बहुत कम लोग हमें ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर हमें दैवीय गुण दिखाई पड़ते हैं।
हालांकि क्षमता सब में है, परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया। एक जैसा शरीर, एक जैसा मन, एक जैसी बुद्धि और एक जैसा आत्म तत्व परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, लेकिन अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण और अपने जीवन जीने के ढंग के कारण ये मनुष्य अपना जीवन बदल देता है। दैवीय धरातल पर जीने वाले बहुत कम लोग इस धरती पर हमें मिलेंगे, और सही अर्थ में तो मानव वही हैं जो पार्श्विक से मानवीय और मानवीय से देवीय धरातल की ओर आगे बढ़ता है। शने शने धीरे धीरे हम नर बनकर आए हैं ना, हमें शास्त्र में नर कहा गया, पुरुष को नर कहा गया और स्त्री को नारी कहा गया। क्यों नाम पड़ा नर और नारी? परमात्मा का एक नाम है नारायण, उस नारायण के ही तो हम सब अंश हैं, उस नारायण ने ही तो हमें भेजा है। और मैं तो ये कहूंगा, भेजा नहीं, उस नारायण ने ही अपने विराट स्वरूप से आप और हम सबको प्रकट किया है। आप और हम सब उसी के तो अंश हैं। तो जो अंशी होता है, क्या वो अंश से जुदा होता है, भिन्न होता है, अलग होता है? बताइए। अंशी कभी अंश से जुदा नहीं होता। हम सब परमात्मा के अंश हैं, और ये बात प्रमाण देते हुए गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, ममे वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, इस संसार के सारे जीवों में मेरा अंश है। और यही बात तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, उसी परमात्मा का नूर, उसी का तेज हम सबके जीवन में समाया हुआ है। लेकिन इस संसार के माया की धुंध जब हमारी आत्मा पर जम जाती है, तब हम हमारे निज स्वरूप को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम किसके अंश हैं और हमें कहां को जाना है। और ध्यान रखना, ये जीवन प्रवाह का नाम है, प्रवाह का। जीवन ठहराव का नाम नहीं, जीवन माने गतिमान होना, प्रवाहित होते रहना। जीवन अटकने का नाम नहीं, जीवन भटकने का नाम नहीं है। और भटकता कौन है? जो अटकता है वही भटकता है। जब बरसात होती है, बारिश होती है, जो बारिश का जल नदी में गिरता है सीधा, वो घूमता रहता है और सदैव निर्मल और ताजा रहता है। और जो बारिश का जल किसी एक गड्ढे में जाकर इकट्ठा हो जाता है, वो थोड़े दिनों के बाद में बदबू देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ठहर गया। और जो ठहर गया वो भटक गया, वो अटक गया। जीवन ठहरने का नाम नहीं है, जीवन रुकने का नाम नहीं है। जीवन माने प्रवाहित होना, गतिमान होना, सही दिशा में हमारा जीवन चलता रहे। और इस जीवन को जीने के तीन सोपान बताए गए शास्त्रों में, तीन सोपान। पहला सोपान है आत्म पहचान। आत्म पहचान, आत्म पहचान का अर्थ क्या? अभी कोई आपसे पूछे कि आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे?
कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे दादाजी का नाम ये है, मैं इस कुल और वंश परंपरा में पैदा हुआ, बस इतना ही कहोगे ना। लेकिन ये पहचान तो आपकी इस जन्म की पहचान है। शास्त्र ये कहता है कि आपकी मौलिक पहचान क्या है, आपकी मूल पहचान क्या है, उसे कहते हैं आत्म पहचान, कि आपका निज स्वरूप क्या है, आप स्वयं कौन है। पहला सोपान है आत्म पहचान, दूसरा है आत्म अनुष्ठान, और तीसरा है आत्म उत्थान। आत्म पहचान, आत्म पहचान का सीधा और सरल अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया, जिसने खुद को पहचान लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी पहचानना शेष नहीं रहता। लेकिन विडंबना तो ये है ना कि हम खुद को तो कभी पहचान ही नहीं पाते, हम दूसरों को पहचानने में अपना समय लगाए हुए रहते हैं कि ये देखो ये कैसा है, वो कैसा है, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। हम जीवन भर यही तो करते हैं। लेकिन याद रखना, ये दुनिया और इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो खुद को पहचान पाते हैं। एक बहुत बड़े किसी कवि ने कहा कि जमाने में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने खुद से खुद की पहचान कर ली, जिसने खुद को पहचान लिया कि मैं स्वयं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं किस देश का वासी हूं और मुझे कहां को जाना है। इसे कहते हैं आत्म पहचान। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं पहचान पाया वो दूसरों को क्या पहचान पाएगा। यस्य नास्ति आत्म प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोति किम्। शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में, मन में आत्म प्रज्ञा नहीं है, आत्मबोध नहीं है, वो भले ही पूरे संसार को जान ले तो भी उसका जानना अधूरा रहता है। यस्य नास्ति आत्म प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम्, उसके लिए शास्त्र कोई मायने नहीं रखते। भले ही उसने कितने ही पुराण पढ़ लिए हो, भले ही उसने कितने ही वेद के मंत्र रट लिए हो, और भले ही उसने कितनी ही चौपाइयां रट ली हो, कोई मायना नहीं रखता जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानते कि आप स्वयं कौन हैं। ये तो उसी तरह हुआ कि लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम प्रयोजनम्, कि कोई अंधा आदमी हो और उसे आप जाकर के और दर्पण भेंट कर दे, शीशा भेंट कर दे। अब बताइए ना, किसी अंधे आदमी को जाकर अगर आप दर्पण भेंट करोगे, कांच जिसमें हम मुंह देखते हैं, तो वो उसके कोई काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। तो उस व्यक्ति का जीवन भी वैसा ही है जिसने खुद को तो नहीं पहचाना लेकिन सारी दुनिया को जानने का वो दावा करता है। शास्त्र कहता है आत्म पहचान करिए, आत्म पहचान, स्वयं को जानिए। और दूसरा है आत्म अनुष्ठान, आत्म अनुष्ठान। आत्म अनुष्ठान का सीधा सीधा अर्थ यह है कि अपने स्वभावगत गुणों को निखारने का प्रयास करना। जो गुण, जो बुद्धि, जो विवेक, जो प्रज्ञा आपको भगवान ने देकर पैदा किया है, उसे पहचानना और उसे दिन प्रतिदिन निखारना, इसे कहते हैं आत्म अनुष्ठान। और ये होता है अभ्यास से, सतत अभ्यास करें। रोजाना 24 घंटों में से, अहो रात्र दिन रात के 24 घंटों में से मात्र कुछ समय स्वयं के लिए निकालिए। सुबह जब प्रातः काल आप उठते हैं, बैठकर ध्यान कीजिए, आंख मूंद कर अपनी आत्मा का दर्शन कीजिए, इसे कहते हैं आत्म अनुष्ठान। और तीसरा है आत्म उत्थान, आत्मा का उत्थान करना। उत्थान माने आगे ले जाना, ऊंचा उठाना। आत्मा को ऊंचा उठाइए, शरीर को ऊंचा उठाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर आपने इस जगत की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली,
जगत में कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया, जगत में अगर आपने बहुत ज़्यादा धन कमा लिया, वैभव कमा लिया, दिग दिगंत में आपकी जय जयकार होने लग गई, जहाँ भी जाएं लोग आपको प्रणाम करने लग गए, तो सावधान हो जाना, क्योंकि जहाँ पद आता है वहाँ मद जरूर आता है। पद और मद दोनों सगे भाई हैं, सगे। और मारवाड़ी में केवे माँ जाया, जिस व्यक्ति के जीवन में पद आएगा ना उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसे संवेदनशील होना पड़ता है, बहुत ज्यादा उसे सतर्क रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो मद है वो उसके चारों ओर घूमता रहता है, उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि अरे देखो मेरा कितना नाम हो गया, मुझे कितने लोग जानते हैं। और ये अहंकार किसी को नहीं छोड़ता। साधारण मनुष्य की तो बात छोड़िए महाराज, जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं ना, ऊंचे ऊंचे पदों पर, उनको भी ये अहंकार छोड़ता नहीं है। इसलिए शास्त्र ये कहता है कि अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाइए। और आत्मा ऊंचाई पर कब जाएगी? जब आपके जीवन का लक्ष्य ऊंचा होगा। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या कभी बैठकर विचार किया? क्या कभी बैठ करके सोचा कि मैं क्यों आया हूं? क्या धन कमाने के लिए आए हो? क्या खाने के लिए आए हो? मौज मस्ती करने के लिए आए हो? बच्चे पैदा करने के लिए आए हो? नहीं, अरे ये तो वो पशु भी कर लेता है।